अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस की क्लियरिटी ठीक ठाक। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्लियर सर। ओके, आज जितने स्टूडेंट न्यू होंगे, मैं अगेन कहना चाहूँगा कि उनको पहले बेसिक्स देखने पड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स में सबसे बड़ा फंडा तो यही है। तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, इनकम टैक्स रेट कर रहे थे। इनकम टैक्स रेट के अंदर न्यू रिज्यूम चल रहा है 115 BAC, और ओल्ड रिज्यूम आपका ऑप्शनल है। अभी ओल्ड रिज्यूम की हमने बात ही नहीं की है। न्यू रिज्यूम के अंदर हमने या टैक्स रेट कैसे निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता, किस किस पे लगता है, ये कुछ रेट्स थे। इस पे हमें जो बेनिफिट दिया जाता था वो 87A में दिया जाता था। और 87A में कितना बेनिफिट दिया जाता है, अप टू 25,000। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए और 87A भी देखा। अब एक बच्चे का डाउट आया था कि सर कितने तक माइनस हो जाएगा, तो मैं एक क्वेश्चन पहले ये कराऊंगा, फिर हम चलेंगे ओल्ड वाले पे। तो ये हमने 87A का क्वेश्चंस भी देखा, 730 भी आया, और ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। होपफुली आप सभी स्टूडेंट के इसके आंसर्स आ गए होंगे। इसका टैक्स होगा हमारा, इसका टैक्स जीरो, इसका टैक्स जीरो, इसका टैक्स जीरो, नहीं, इसका टैक्स बनेगा हमारा 5,000। सेस अलग से ऐड हो जाएगा। इसका टैक्स ज्यादा बनेगा, इसका टैक्स भी ज्यादा बनेगा, ये पूरा कैलकुलेट करना होगा। यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर होगा। अगला आप टैक्स निकाल के दिखाइए, 7,27,700 रुपए का इसका टैक्स निकालना है। तो फॉर्मेट वही फॉलो करेंगे जो एक बार बना लिया, इसी को कॉपी करेंगे, है ना। सर होमवर्क वाले क्वेश्चन में बता दो देना कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे किया है। ओके, मैं बता दूंगा मनन। हाँ, एक बच्चे का और डाउट भी आ रहा था, मनन का ही था शायद। भाई लैपटॉप चल जाओ। चलिए 7,27,700 का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले आपका अप टू आपका 3,00,000, कोई टैक्स नहीं है, जीरो। इसके बाद नेक्स्ट 3,00,000 पे आपका लगेगा 5%, और दैट इज आपका होगा 15,000। नेक्स्ट बैलेंस जितने भी बचे, कितने बचे, 1,27,700, इसके ऊपर 10%, जो कि निकल के आता है हमारा 12,770। टोटल टैक्स क्या बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे टोटल टैक्स क्या बन रहा है। टोटल टैक्स 15,000, ये बन गया 27,770, 15 और 12, ठीक है। अब हम, क्योंकि इनकम 7,00,000 से ऊपर हो गया, क्योंकि इनकम 7,00,000 से ऊपर हो गया, और हमारा इनकम सिर्फ बढ़ा कितना, 27,700, और हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी पूरे 27,770, मतलब समथिंग कुछ आ रहा है, मैं 770 ही कर देता हूँ इसको, 770 ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा ही मैच हो जाए, 770। तो ये आ गया हमारा 27,770, ठीक है। हाँ,
हमारा इनकम कितना बढ़ा, 7 लाख का इनकम था। आप समझिएगा बात को, 7 लाख रुपए का इनकम था, 7 लाख में हमारा इनकम बढ़ गया 27,770, और टैक्स भी कितना बढ़ा हमारा 27,770 का। ये कुछ पॉइंट्स का फर्क रहेगा, ऐसा नहीं है तो मैं इसको राउंड फिगर में इसको जीरो कर देता हूँ एक बार को, 1,27,770 मैं पूरा ही ले लेता हूँ। इसको ऐसे ले लेते हैं 700, सात सौ ले 770 में, ये लो 27,777 रुपये। टैक्स बना हमारा 27,000। तो हमारा वैसे रूल क्या कहता है कि आपको 87A जो मिलेगा वो मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा सर, और कितने रुपए मिलेंगे, 25,000। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो 7 लाख इनकम तक 25,000, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, रूल ये कहता है। लेकिन मार्जिनल, सॉरी 87A, लेकिन मार्जिनल रिलीफ फिर भी था। क्या होगा सर, आपको कैसे बताया था करने को, आपका टोटल जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था कि जितना हमारा टैक्स बनेगा माइनस में हमारा जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, 27,000 का टैक्स माइनस में 2,000, कितना एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाया 2,000, तो वो आपको मार्जिनल उतना आपका क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जितना आपने इनकम कमाया और जितना आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो उतना आपको मिल जाएगा बेनिफिट यहाँ पे। फिर से देखिए, कहाँ गया, यानी टैक्स 27,777, एक्स्ट्रा कितना कमाया 27,770, 77 ही मान लो, मैं मान लेता हूँ एक पल को। तो ये डिजिट ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे हमें मार्जिनल रिलीफ क्या मिलेगा, जीरो, और हमें टैक्स देना होगा 27,777। देखो पॉइंट के अंदर कुछ थोड़े बहुत फर्क आ रहे होंगे, उस फर्क को हम अभी इग्नोर करेंगे। +4%, या एग्जैक्ट डीसीटी बना दूं, नहीं तो फिर आप वेरीफाई करोगे, बोलोगे सर क्या करा रहे हो आप। 27,770, 27,770, 27, ये बन गया हमारा 7,770। ठीक है, माइनस करोगे तो बस 7 रुपये का आपको रिलीफ मिल जाएगा, और आपको जो टैक्स देना होगा इस पे टैक्स देना पड़ेगा, 7 रुपये का रिलीफ, और इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कितने टैक्स देना पड़ेगा, जो अमाउंट आया, और इस पे फिर 400। चार परसेंट 1,110 सेस, और ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। यानी आपकी इससे कम इनकम होगा तो आपको बेनिफिट होगा, इससे ज्यादा इनकम पे आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। पहले यहां तक देखिए, आपको क्लियर है, ये पुराने वाला जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था उसी को मैंने करवाया है। सभी स्टूडेंट को यहाँ क्लियर है? एक स्टूडेंट ने कहा, मनन ने सर 7,62,500 का निकाल, तो मैं फटाफट 7,62,500 का निकाल के बता देता हूँ कि क्या टैक्स लाइबिलिटी होगा।
क्या टैक्स लायबिलिटी होगा? मनन ने कहा सर प्लीज 762,500 का बताओ, 762,500 तो अप टू 3,00,000। नेक्स्ट 3,00,000, 5% यानी 15,000। अब बैलेंस, बैलेंस 7,162,500, 1,62,500 पे 10%, तो 16,250। टोटल टैक्स कितना बना? इनकम आपकी 62,500 बढ़ी और आपका टैक्स 16,250, 31,250। सिंपल, इसके ऊपर आप दोगे 4% का सेस, 32,500, ये आ गया 33,750। यानी जो 7,27,700 से ऊपर इनकम जाएगी ना आपकी, जितनी भी मान लो सपोज 800 गई, तो ये वाला रिलीफ वाला कोई पॉइंट काम नहीं आएगा। 7,27,700 से नीचे में वो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ और बेनिफिट मिल सकता है। इकतीस पांच सौ, 7,62,500, इसका आंसर ये है 33,750, ये 3,250 है। सेस 1,250 है, हाँ 1,250 है, मेरे से मिस्टेक हो गई, ये 1,250 है, ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने दो रिज्यूम की बात करी थी, दो टैक्स के रेट हैं। ये दो टैक्स का रेट ना, गवर्नमेंट ने सोचा हम आसान टैक्स को करेंगे, लेकिन आसान बनाने के चक्कर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, स्पेशली जो टैक्स की कैलकुलेट करते हैं वो और स्टूडेंट को भी। पहले ये पहले हुआ करता था मेन, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले जब ये हुआ करता था, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया, तो सभी लोग इससे टैक्स भरते थे इस रेट के अकॉर्डिंग। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भैया डिफॉल्ट ये होगा, पहले हम आपको बोलेंगे इससे भरो, फिर अगर आपका मन करे तो उससे भर सकते हो। तो सर ये क्या था, इसके अंदर बड़े लफड़े थे। जो हमारा ओल्ड रिजिम है, बोला गया इसके अंदर सबसे पहले ये कौन कौन ये स्लैब रेट अप्लाई करेगा, सेम रखा, इसमें तो कोई बदलाव किया नहीं उन्होंने। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उन सभी पे ये अप्लाई होगा। और इसको हमने एज के, पहले तो भाई ऐसा था कि मेल फीमेल का भी पंगा था, ये भी बड़ी दिक्कत आती थी, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो बोला एज के हिसाब से। अब जो 60 ईयर से कम होंगे उनके लिए अलग फंडा, और जो 60 ईयर या उससे ज्यादा लेकिन 80 ईयर से कम होंगे उसके लिए अलग तरकीब, और एक जो 80 ईयर से अबव होंगे उनके लिए अलग तरकीब। इनको बोला गया कि ये भाई यंग है, ये यंग है, हमारी यूथ है, इसको बोला गया सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, और इसको बोला गया सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन,
यानी पहले हमें टैक्स रेट, अभी इतना सिंपल हो तो गया है, लेकिन अब दिक्कत यही है कि दोनों साथ साथ चल रहा है। तो एक सीनियर सिटीजन, एक सुपर सीनियर सिटीजन और एक नॉर्मल। यहां पे बोला गया कि अगर आपकी इनकम 250 है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपकी इनकम 251 यानी 250 to 5 लाख है तो आपसे हम 5% लेंगे, और 5 लाख से 10 लाख है तो आपसे 20% लेंगे, और 10 लाख से जितने अबव होंगे उस पे 30% का टैक्स लगेगा। इस वाले में बदलाव क्या किया गया? बोला गया भैया अप टू आपके अगर 3 लाख है तो 0 टैक्स। उसके बाद देखा जाए 3 लाख से, मैं पूरा दिखाऊंगा, प्रॉपर लिखा हुआ है, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, 5 लाख तक होगा तो 5%, और 5 से लेके 10 के बीच में 20% सीधा, और 10 से ऊपर। सुपर सीनियर सिटीजन को बोला गया भैया तुम बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो तो 5 लाख तक आपसे 0, और 5 से लेके 10 के बीच में सीधा 20%, और 10 लाख से जितने भी ऊपर होंगे सब पे 30%। यहां पे बोला गया कि भैया आपको यहां पे भी मार्जिन रिलीफ मिलेगा 87A, लेकिन यहां सिर्फ 12,500। सिर्फ कितने? 12,500। पहले 25 था पिछले वाले में, अब 12,500। और बोला गया ये सिर्फ इंडियन के लिए है, रेजिडेंट के लिए। अगर कोई फॉरनर है तो उसके लिए सिर्फ ये है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, इस रिस्पेक्ट ऑफ एज। अगर मैं इस स्लैब को भरता हूँ तो मैं आ जाऊँगा इस कैटेगरी में। अगर कोई 70 साल का इंसान है और वो टैक्स देना पड़ देगा तो उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। अगर कोई 90 साल का इंसान है तो उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी को सिस्टमेटिक करने के लिए आपके सामने मैंने ये पूरा, मैंने पहले एक बार ओवरव्यू दे दिया, और ये पूरा रेट है, और इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा सो दैट आपको समझ में आ जाए कैसे अप्लाई होगा। मान लेते हैं इस केस के अंदर हमारा अमाउंट जो है इनकम, इनकम हमारी 4 लाख है, हमारी इनकम 4 लाख है, और ये किसके लिए है सर? ये नॉर्मल पर्सन के लिए है। कौन कौन? बोथ मैन हो चाहे वुमेन हो, HUF, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक्सेप्ट डिफरेंट रेट, मिनिमम मार्जिनल रेट स्पेशली, इसको हम बाद में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। स्लैब रेट 24-25 का ये है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप, दो तीन पहले मैं करके दिखाता हूं, फॉर्मेट सेम ही रखते हैं। यहां पे बताइए 2.5 लाख, जिसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहते हैं, लास्ट क्लास में बताया था बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो 2.5 लाख तक कितने लगेंगे? शायद यहां विजुअल नहीं है प्रॉपर, चलिए। तो अप टू 250 कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट, क्योंकि 4 लाख है तो बचे 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के हिसाब से हमारे 5%, जो कि 5% होगा हमारा 7500 टैक्स हो गया, 7500 प्लस 4%, सॉरी, क्योंकि इनकम लेस 87A, 7500 तो टैक्सेबल इनकम 0। सर 87A1 की कहानी मैं लिख दूं यहाँ कहीं पे, यहाँ पे 87A मैक्सिमम मिलेगा 12,500, और आपकी इनकम
इनकम जो होगी मैक्सिमम 5 लाख तक कंसिडर किया जाएगा। चलो एनीवेज मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। केस नंबर टू, पहले वाला तो रहेगा, मान लो इनकम मेरा 5 लाख है, तो पहले 2.5 लाख निल, नेक्स्ट, क्योंकि 2.5 लाख के बाद 2.5 से लेके 5 तक कितने परसेंट है, 5%, तो नेक्स्ट 250, 5%, 12,500, टोटल हो गया 12,500, और इसके अंदर लेस हो जाएगा क्योंकि 5 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं है, तो 87A मिल जाएगा, 12,500 मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा 0। ओके सर, अगला एग्जाम्पल, मैं इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये बताने से अच्छा मैं करके दिखा दूँ ना आपको। मान लेते हैं इनकम 8 लाख रुपए, 2.5 लाख तक निल, नेक्स्ट 250, 5%, दैट इज 12,500, तो टोटल 8 लाख था जिसमें से 5 लाख निकल गए, बचे 3 लाख, तो नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद 5 से 10 है, तो नेक्स्ट 3 लाख सीधा 20% लगेगा, 60,000, और यहाँ पे बन गया हमारा 62,000, 72,500 लेस। अब यहाँ 87A, यहाँ 87A नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ लिमिट है कि भैया 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सेस जुड़ जाएगा 4%, 2,900। चलिए सर एक और एग्जांपल, जब तक आपको समझ नहीं आ जाता कि सर समझ गए तब तक एग्जांपल मेरे खत्म नहीं होंगे। इनकम 6 लाख, अप टू 250 निल, नेक्स्ट 250, 5%, नेक्स्ट 250, 5%, 12,500, उसके बाद बचे कितने कमेंट में बताओ, अब बैलेंस कितना बचा बताओ कमेंट में, देखूं जरा आप कितने एंगेज हो अभी, कमेंट में बताइए बैलेंस कितने बचे। ये तो सिर्फ कर रहे हैं हम जवान लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है ये, अभी तो बूढ़े लोगों के पे आएंगे, फिर उससे और बूढ़े लोगों पे आएंगे, बताइए यहाँ पे फटाफट कितने, 11, हाँ 1 लाख, अच्छा मुझे 11 दिखा, 1 लाख, कितने परसेंट, रूल के हिसाब से 20%, दैट इज 20,000, टैक्स कितना बना 32,500, टैक्स बना हमारा 32,500, कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं क्योंकि मार्जिनल रिलीफ 5 लाख तक ही मिलेगा, उससे ऊपर मिलेगा ही नहीं, सेस 4%, तो 32,500 पे 4%, 1,300 और प्लस 3,800, 3,800। ओके सर और बताएंगे क्या, बिल्कुल अभी तो खत्म नहीं होगा, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि भैया अब मुझे रोक देना चाहिए तब तक मैं रुकूंगा नहीं। मान लेते हैं 5,10,000, 2.5 लाख तक निल, नेक्स्ट 250, 5%, 12,500, बचे कितने,
नेक्स्ट 10,000, 20%, 2,000, कितने बने? 17,500। अब एक बात देखिए, हमारा टैक्स कितना बना? 17,500, और मेरी इनकम कितनी बढ़ी थी? मात्र 10,000 बढ़ गई मेरी इनकम, और मेरा टैक्स 10,000, अगर 5 लाख तक तो होता मेरे को जीरो देना पड़ता, 5 लाख तक मेरा इनकम क्या होता? जीरो ही होता, जैसे कि मैंने कहाँ करके दिखाया, नहीं दिखाया, ये देखो 5 लाख इनकम था, तो 5 लाख तक हमारा कितना बन रहा था? जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने अपना इनकम 5,10,000 किया, यानी इनकम कितने से बढ़ा दिया? 10,000 से, तो मेरा इनकम जो टैक्स था वो कितना आ गया? 17,500। सर पहले भी तो आया था 12,500, मैं कहूँ पहले आया था लेकिन यहाँ रिबेट मिला, यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा। तो पुराने वाले लॉ का सबसे बड़ा, जो पुराने वाला टैक्स है, सबसे बेकार काम ये था कि यहाँ पे ऐसे रिबेट नहीं मिलता था, आपको सीधा सेस देना पड़ेगा, यानी 17,500 पे। यहाँ मार्जिनल रिलीफ नहीं है, 700 रुपये और प्लस 17,500, 18,200 का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये देखो 10,000 रुपये की इनकम बढ़ गई, हाँ ठीक है, लेकिन सरकार को इसके बदले कितना देना पड़ा? 18,200। आप ऐसे समझो, आपके पॉकेट में आए 5,10,000, 5,10,000 में से आपने 18,200 गवर्नमेंट को दे दिए, तो पॉकेट में 4,91,800 बचे, बस 4,91,800। मान लो अगर ये मैं 10,000 नहीं लेता, मैं फेंक ही देता, यार मेरे को नहीं चाहिए 10,000, तो मेरे जेब में पूरे 5 लाख बचते, क्योंकि पूरे टैक्स फ्री हो जाता वो। तो इस हिसाब से यहाँ पे है। अच्छा सर, एक और एग्जांपल लो फिर तो आप। एक और एग्जांपल लो, इनकम 5,01,000 नील। नेक्स्ट 2,50,000, कितने बने? 12,500। नेक्स्ट कितने बचे? 1,000। ये 5% है, ये 20%, 200, 17,500। 87A नहीं मिलेगा, सीधा सीधा सेस लगेगा, सेस 17,500, 700, हाँ 12,900 का, ये को मैं सेम कैसे आ गया? बारह सात सौ, 508, 13,208, 13,208। सर मार्जिनल रिलीफ 14,500 होगा, 14,500 होगा। ओके, गड़बड़ हो गई, मार्जिनल रिलीफ इसमें नहीं है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने वाले में जो पहले था हमारा, इसके अंदर मार्जिनल रिलीफ था ही नहीं, लेकिन इसमें अलग तरीके से बेनिफिट होते हैं, वो धीरे धीरे समझेंगे। 580, 15,080, 15,080। एक और एग्जांपल लें सर, आज ले ही लो एक और एग्जांपल। इनकम 15,00,000, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट आपको पता है वैसे तो ये कितने परसेंट? 5%। नेक्स्ट 5,00,000 चलेगा, क्योंकि हमारा रेट है 5 से 10, तो 5,00,000, क्योंकि 15,00,000 की इनकम है, 5,00,000 ये चले गए, 5,00,000 ये, सीधा 20%, देख रहे हो 1,00,000। नेक्स्ट फिर से 5,00,000 बचा, 30%, 1,50,000। अब देखो मेरी इनकम 15,00,000 है, टैक्स देखना कितना ज़्यादा बन गया यार,
ये बहुत ज्यादा टैक्स लगता है मेरे को तो। 2,62,500 कमर तोड़ दी, 2,62,500, फिर प्लस कहेंगे भैया सेस भी दो, अभी कहाँ कमर टूटी, 10,500 तो सिर्फ सेस हो गया, तो 2,73,000 ये बन गया। मैं सभी पे ना नंबर लिख देता हूँ जिससे आपको बेनिफिट रहे। पहला, दूसरा, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस, सातवां केस, नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। पहले मुझे यहां तक बताओ, आपको समझ में आया फंडा पिछले से और इसमें डिफरेंट है? जब मैं थ्योरी पढ़ने पे आऊंगा, अभी मैंने किसी का थ्योरी स्टार्ट नहीं किया है, थ्योरी जब मैं पढ़ने पे आऊंगा, प्रैक्टिकल क्लियर होगा तो बड़े आराम से आप समझ जाओगे। लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो। लास्ट वाले में क्या था, 15 लाख की इनकम थी, 2.5 लाख तक जीरो, फिर हमारे 2.5 से 5 तक जाना है, तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 से 10 पे जाना है, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे ये, और फिर हमारे अभी क्योंकि 10 लाख का हिसाब हुआ है, बचे 5, 5 पे ये हो गया, तो ये टोटल टैक्स निकल गया। मेरा ये कहना था कि भैया 15 लाख पे 2,73,000 तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा, तो कितना टैक्स देना पड़ता है हमें गवर्नमेंट को पहले वाले रिज्यूम के। इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे डिडक्शंस भी होते हैं, हम अभी बात धीरे धीरे देखेंगे, मैं एक साथ नहीं बताना चाहता डिडक्शन और ये क्या चीजें हैं। तो ये किसके लिए था, ये था यंग लोगों के लिए। ये टैक्स रेट किसके लिए है, ये यंग लोगों के लिए है, और किसके लिए, फॉरनर, अंग्रेज के लिए, फॉरनर, फॉरनर के लिए और यंग एज के लिए ये स्लैब रेट है। सर एग्जाम में जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर बताएगा कि कौन से वाला करना है, पुराना या नया? यस, एग्जामिनर बताएगा, इसलिए आपको अब दोनों सीखना पड़ेगा। अगर एक होता तो एक ही सीखते छुट्टी हो जाती, लेकिन अब हर क्वेश्चन में दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। यहां तक क्लियर हर स्टूडेंट को? यहां तक क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, चलो अगले पेज पे। ये है सर सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, लेकिन 80 से कम। यहाँ पे कहता है भैया 3 लाख तक हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, 3 से 5 तक का वही क्राइटेरिया चला, 5%, 5 से 10 में, और 10 से ऊपर 30%। अच्छा सर, अगर मैं आपसे एक निकाल के दिखाऊंगा, और यहाँ भी पुराने में हर जगह 87A है, लेकिन सिर्फ 5 लाख रुपए तक, उससे ऊपर की इनकम पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है, कोई रिबेट नहीं है, पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं रेट, अमाउंट, मान लेते हैं हमारा इनकम 6 लाख रुपए, 6 लाख नहीं मानते, 4,50,000। अब क्या होगा, अप टू, क्योंकि सीनियर सिटीजन है और मैं एज भी बता रहा हूँ, एज है इसकी 62, 3 लाख तक तो जीरो है, 4.5 है तो 3 लाख तो गए, बचे 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 5%, 7,500, तो कितना बना टोटल, 7,500। अब यहां पे क्योंकि 5 लाख से इनकम कम है, 87A एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे टैक्स लाइबिलिटी जीरो। यानी सर 87A आपका रिबेट का है, और ये मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम 12,500। तो इसका मतलब सर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक सीमित होगी, तो रिबेट मिलेगा। अगर इनके इस 5 लाख रुपए से ऊपर 1 रुपए भी ऊपर गया, तो आपको रिबेट या मार्जिनल रिलीफ कुछ भी नहीं मिलेगा इस वाले रिसीव। एक क्वेश्चन आपको दे, इनकम 5 लाख, 10,000, 5,10,000 है, टैक्स बताइए क्या आएगा, इनकम है 5,10,000, टैक्स बताइए, आपको निकालने दिया, इनकम 5,10,000, टैक्स बताइए क्या होगा, अभी थर्ड केस समझा देते हैं, रुकिए।
नाभिया का कहना है जीरो। फाइव, इसमें सेस लगा के बताना आप, देखो सेस लगा के 5080। पंद्रह जीरो एट जीरो तनिष्क का। और बताइए फटाफट। 10920 मनन का। हाँ, अमित कुमार मौर्य का एकदम सही जवाब आया। अमित कुमार मौर्य का सही जवाब है 12,480 रुपये। चलिए देखिए कैसे। मैं विदाउट फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ, आपको तो पता ही है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। एज मैं बता देता हूँ, एज है 62 या 65। तो अप टू 3,00,000। नेक्स्ट बचे 2 ही लाख, क्योंकि 5 लाख करने हैं तो 2 लाख तो हो गए 10,000 5% के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट बचा हमारे पास मात्र 10,000, जिसपे 20% लगेगा 2,000, तो ये आ गया 12,000। इसके ऊपर 480 रुपये का, तो 12,480। चलो एक और सवाल देते हैं। इनकम है 7,20,000 और एज भी लिख देते हैं, एज है 69। एज है 69। एक और करके दिखाइए फटाफट। क्या ये वाला समझ में आया जिन बच्चों का गलत था? ट्वेल्व के बाद क्या करा? ट्वेल्व के बाद सेस लगाया 4%। सेस तो लगेगा ही लगेगा, टैक्स आया तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, स्वच्छ भारत अभियान में पैसा डालना है। सात लाख बीस हजार पे बताइए कितना है, मैं भी अपनी कैलकुलेशन कर लूं। तो 10,000 पाँच हो गया और 7, 20, तो 20% 20 93,601 का आंसर। तनिष्क का सही जवाब आ गया 56,160। अमित इस बार आपका गड़बड़ हो गया। और भी बच्चे बताएं भाई, जितने भी लाइव हैं सभी बताएं, सभी सभी के लिए है ये क्वेश्चन। अर्णव है, निशांत है, नव्या तो दे रही है, नायाब है, आज कृष्ण का जवाब नहीं आ रहा, शिवम है, अमित ने तो दिया, हिमांशु नहीं दे रहा, शिवानगी आप भी जवाब नहीं दे रहे। मनन का कहना है सर मेरा कुछ और, लिखो आपका क्या आ रहा है। एटी सेवन ए नहीं मिलेगा इसमें, सबसे पहली बात। 45,760 गलत, 56 अमित कुमार का सही है 160। अभी बताते हैं, देखो फिर बताना।
एक नव्या ने कहा कि मेरा नव्या का गलत आया, एक मनन कह रहे हैं, बाकी भाई शिवानगी है और भी बहुत सारे हैं बच्चे, सभी जवाब दो। मनन कह रहा है 28080। अभी मैं करूंगा ना तो आप सबसे पूछूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। कोई बात नहीं मनन, अभी क्लियर करेंगे। जब तक आप बोलते नहीं हो कि सर एकदम समझ में आ गया, तब तक हम टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। सर 2 20 पर 20% आएगा या 2 लाख पे? 2 लाख पे आएगा। 7 लाख 20 हजार है। बिल्कुल मनन सर, ये 7 लाख 20 हजार है। हाँ जी 7 लाख 20 हजार ही है ये, 72 लाख नहीं है, 7 लाख 20 हजार है ये। करके दिखाएं? यस सर। देखो इसको फॉर्मेट में कर देते हैं, इधर करें। आ जाओ। अब आपसे मैं पूछूंगा, सीनियर सिटीजन है तो फटाफट कमेंट में, जिन बच्चों का नहीं है वो स्पेशली जवाब देंगे। अप टू सीनियर सिटीजन के केस में कहाँ तक एग्जेम्पशन है जहाँ टैक्स नहीं देना, बताइए फटाफट कमेंट में, कहाँ तक टैक्स नहीं देना है, जल्दी बताइए फटाफट से जवाब दीजिए, कहाँ तक टैक्स हमें नहीं देना है सीनियर सिटीजन के केस में, जवाब दीजिए। शिवम ने 56160, 3 लाख, सभी बच्चों का आ गया 3 लाख, तो मैंने आपके साथ साथ आपके साथ मिलके मैं करूंगा काम, 3 लाख, तो 3 लाख तक तो 0 ही हो गया। अब 3 के बाद अगला जो जाएगा ना गैप, 5 लाख तक ही जाएगा, तो नेक्स्ट 2 लाख को चेक करेंगे हम। नेक्स्ट जो 2 लाख होगा उसके ऊपर सवाल कहता है 5% लोगे तो कितना बनेगा, 10 हजार। उसके बाद हमारे 5 लाख तक का हिसाब हो गया, तो 5 के बाद हमें 10 तक 20% लगेंगे, 10 लाख रुपए तक 20% लगेंगे, लेकिन 5 के बाद तो हमारे बचे क्यों, क्योंकि मैंने इनकम कितना बताया, 7 20, तो बताओ कितना बचा है यहाँ पे लगाने के लिए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कितने बचे हैं, कितने बचे हैं। 3 लगा दिया, नेक्स्ट 2 लाख लगा दिया, बैलेंस कितना बचा है यहाँ पे, बैलेंस बताओ कितने बचे हैं, बैलेंस। शिवानगी का जवाब आ गया सर 2 20, बिल्कुल सही जवाब शिवानगी आपका 2 20, 2 20 के ऊपर 20% और इसके ऊपर 20% कितना होगा, 2 लाख 20 हजार पे 20%, दैट इज आपका 44 हजार। अब इसको टोटल करोगे प्लस 10 हजार, 54, इसके ऊपर प्लस कर दोगे सेस 4%, जो आ गया 2160, प्लस कर दोगे तो 56160, 56160, 56160। सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या ये, सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट को यस, सभी ने बोल दिया यस। ये था अब आपका इस एज के कैटेगरी का। अब इससे ऊपर आ जाओ, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर भाई साहब सुपर, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, जिसकी उम्र
80 ईयर से ज्यादा या 80 ईयर के बराबर हो, सुपर सीनियर सिटीजन, इनको बोला गया भैया तुम्हारे 5 लाख रुपए तक तुम्हारी छूट है इनकम, और 5 लाख रुपए से लेके आपका 10 लाख रुपए तक 20% और 30%, यानी पहली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट खत्म की गई। तो मान लिया जाए कि अगर 6 लाख रुपए इनकम हुई मिस्टर राम की जिसकी एज 82 है, तो उसका कैसे निकालोगे सर? कैसे निकालेंगे देखिए, टिक 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 टिक, अप टू, अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लिखते हैं तो अप टू 5 लाख 0, क्योंकि यहां अब जो बेसिक होता है वो आता है। नेक्स्ट कितना बचा? नेक्स्ट 1 लाख, 1 लाख पे, 1 लाख पे 5%, सॉरी 5 तो है ही नहीं इनके केस में, सीधा 20, 5% तो है ही नहीं, सीधा 20, 20,000 बना कितना, 20,000। कोई इनके लिए 87A है ही नहीं, इनको बोला भैया तुम भूल जाओ 87A, तुम बहुत सीनियर सिटीजन है, ज्यादा मजे नहीं लेना, 4%, ये 20,000 है, 800, 4%, 800, 800, 20,800, क्लियर है? चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं, इनकम है 7,20,000, बताइए इसका, 7,20,000 पे बताइए। शिवम ने बता दिया था, सही जवाब, सही जवाब, 7,20,000 पे बताइए। हेलो, हाँ जी, आ जाओ, आप ही आ जाओ ना, तो मैं नीचे आऊंगा लेने के लिए, और क्या करूँगा फिर, मुझे लगेगा अभी मैं तो लाइव क्लास में ही हूँ। पैंतालीस हजार सात सौ साठ, 45,760 सभी बच्चों का सेम आ रहा है। चलो चेक करते हैं, अप टू 5 लाख, इनकी भी एज ज्यादा ही है, 0, नेक्स्ट 220, रहेगा हमारा 20%, 44,000 प्लस सेस 4%, यानी हो गया 1760। फोर फाइव 760, ये आ गया हमारा टैक्स। बिल्कुल सही जवाब, क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये? अगर इसकी इनकम हो, मान लेते हैं 20 लाख, इनकी इनकम हो 20 लाख, मिस्टर के उम्र 99, इनकम 20 लाख, इसका टैक्स निकाल के दिखाइए। 20 लाख वाले का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, करके दिखाइए। बस सेस लगता है, अभी अभी और भी आएगा, धीरे धीरे आएगा, बस दो चीज, एक चीज और सिखाना है इसके अंदर, सरचार्ज भी लगता है, 50 लाख से ऊपर इनकम पे सरचार्ज भी लगेगा। पहले ये 20 लाख वाले का करो, अभी 50 लाख से नीचे की इनकम की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट करके बताएं, चलिए अप टू
5 लाख जीरो, नेक्स्ट 5 लाख 20% 1 लाख, नेक्स्ट पांच पांच 10 हो गए, 10 से ऊपर कितने बचे 10 लाख, 30% लगेगा 3 लाख, 4 लाख प्लस सेस 4%, तो 4 लाख पे 16,000। तो आंसर इज 4,16,000, 4,16,000। 90 आपका गलत आया था, अब ठीक कर लिया नायाब। एक और क्वेश्चन दे, अब मुझे कमेंट में बताइए सभी बच्चों को लगता है कि सर अब ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम टेक केयर कर सकते हैं, मतलब कैसा भी घुमा फिरा के अमाउंट आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लगता है कि और एग्जाम्पल करने की जरूरत है। यूथ वाले का आपका जो है यंग का यानी उसका 2.5 लाख रुपए एग्जेम्पशन, और 60 साल का 3 लाख, और उससे ज्यादा का 5 लाख, 2.5 3 5 नो नीड। तो अगली क्लास एक क्लास और जाएगी इसकी थोड़ी लंबी। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा सर न्यू रिजिम, अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं इसके और इसके बेसिक कैलकुलेशन। अब एक इनकम हम रखेंगे और एक इनकम को दोनों से कैलकुलेट करेंगे, इससे भी और इससे भी, फिर देखेंगे कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए, कौन सा स्लैब रेट हमारे लिए सूटेबल है वो बताना होगा। तो अगली क्लास में वो मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा, और साथ के साथ मैं सीखूंगा कि अगर 50 लाख से ऊपर इनकम होती है हमारी साल की, या 1 करोड़ से ऊपर इनकम होती है, या फिर 5 करोड़ से ऊपर इनकम होती है, तो उसके ऊपर और कितना एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज, जो कि हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। अभी तक हमारा स्लैब रेट ही चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट का ही चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। इसके बाद हम रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्लास अभी और लगना है आपको टैक्स की, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने में। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ कि सर ये वाला रेट है और ये वाला रेट है, तो दूसरा व्यक्ति दूसरे वाले रेट को क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिक एग्जम्पशन 87 भी सही से नहीं है, हर कोई तो इसी में जाएगा, तो कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं इस वाले में जो कि इसको नहीं मिलते। तो दोनों को कंबाइन करके देखा जाएगा, जो कि हम अगली क्लास में, और हो सकता है मुझे लगता है जहाँ तक अच्छे से डिटेल में समझाने में मुझे ये 2 क्लास चला जाएगा। हाँ 30% तो टैक्स रेट है, लेकिन सरचार्ज का भी है उसमें, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, वेरी वेरी गुड नाइट। अगली क्लास हमारी सेम टाइम पे रहने वाली है, और अगली क्लास के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे के पूरे टॉपिक इसको ख़त्म किया जाए।